भोले की नगरी बनारस में मौजूद हूँ, ज्ञानव्यापी परिसर, जहाँ पर एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल चुकी है। आप भोले कहिए, आप शिव कहिए, आप शंकर कहिए, आप बाबा कहिए, नाम अलग अलग है, रूप एक ही है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर और पीछे ज्ञानव्यापी परिसर, दरअसल हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये मंदिर का ही हिस्सा है। ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मस्जिद बनाई, हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, मलबे से ये मस्जिद बनाई। अब ये जो परिसर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंचेगी, आधुनिक तकनीक से ये सर्वे होगा और ये पता लगाया जाएगा कि जो सनातन संस्कृति के प्रतीक है, चाहे हम त्रिशूल की बात करें, हम देव प्रतिमाओं की बात करें, जो यहाँ पर, नकुल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, दरअसल ये जो पूरा परिसर है, दीवारें हैं यहाँ पर, इसमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। और हिंदू पक्ष लगातार ये कहता आया है कि जो इतिहास में गलती हुई है, जिस बात के प्रमाण इतिहास में मौजूद है, वो कोर्ट के द्वारा हो रहा है। आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये ज्ञानव्यापी परिसर, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका हिस्सा है ज्ञानव्यापी परिसर, ये कहा गया। और जो 21 जुलाई का वाराणसी जिला जज का फैसला था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, यानी कि यहाँ पर एएसआई का सर्वे होगा। पहले भी पिछले हफ्ते एएसआई का सर्वे हुआ था, 5.5 घंटे तक टीम मौजूद रही थी, लेकिन अब जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ढांचे को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो हिंदू पक्ष ने कहा था कि ढांचे को नुकसान नहीं होगा, खुदाई नहीं करेंगे, जो मूल स्वरूप है वही रहेगा। अब यहाँ पर सर्वे होगा, इसमें दो अहम बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि कोर्ट की तरफ से कोई समय सीमा नहीं दी गई है, यानी कि एएसआई सर्वे कितने दिनों तक होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तत्काल प्रभाव का मतलब यह है कि जो जिला जज का 21 जुलाई का फैसला है वो मान्य होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यह संवेदनशील मसला है, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर है, ये बैरिकेटिंग है। आप पीछे ब्लैक कैट कमांडोज देखेंगे, जो कि वैसे भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन ये संवेदनशील मसला है। पहले बैठक होती है, उसके बाद ही एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, कल भी पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आदेश है उसका पालन करना होगा, उसके बाद ही टीम यहाँ पर पहुंचेगी, ताकि आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रहे। और जैसा कि हमने प्रतिक्रियाएं सुनी कि यह आपसी संवाद से भी मसले का हल हो सकता है कोर्ट के द्वारा। मेरे सहयोगी अमित मौजूद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर। अमित, आप हाई कोर्ट में ही मौजूद है, ये बहुत बड़ा फैसला है, डिटेल कॉपी आपके पास मौजूद है, इस फैसले के अहम बिंदु आप बताइए। देखिए, ओरल ऑर्डर जो है वो इलाहाबाद चीफ जस्टिस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने सुनाया है, लेकिन जो डिटेल ऑर्डर है, जो रिटन ऑर्डर, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। वो जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद मालूम चलेगा कि हालांकि कि एएसआई जो सर्वे होगा उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन है कि नहीं। हालांकि जो ओरल ऑर्डर था उसमें एएसआई के सर्वे को लेकर कोई टाइम लिमिटेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन डिटेल ऑर्डर आने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही डिटेल ऑर्डर निकलकर सामने आएगा उसके बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। एएसआई की टीम, जो 30 सदस्य टीम फिलहाल वाराणसी में है, वो अध्ययन करेगी, और इसके अलावा जो डीएम और मंडलायुक्त वाराणसी हैं, वो भी इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर जो है इस वक्त ज्ञानव्यापी पहुंचे हुए हैं और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे ही डिटेल ऑर्डर आएगा उसके बाद जाहिर तौर पर प्रशासन उसे अध्ययन करेगा, और उसके बाद हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार और एएसआई के जो इतने भी अधिकारी हैं उन सबको बुलाया जाएगा, और उसके बाद एक उनसे कहा जाएगा कि एएसआई सर्वे शुरू किया जाएगा। उस दौरान हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों साइड वहां पर मौजूद है। जब पिछले बार जब सर्वे शुरू किया गया था एएसआई अधिकारियों के द्वारा, तो हिंदू पक्षकार तो वहां मौजूद थे, उनके वकील थे वहां पर, हिंदू पक्षकार थे, लेकिन मुस्लिम पक्षकार नहीं थे, वो मूव कर गए थे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इस बार भी लीगल रेमेडीज मुस्लिम पक्षकार के पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए। तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे ही डिटेल ऑर्डर आएगा उसके बाद मुस्लिम पक्षकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, तो वहीं जो वाराणसी के डीएम है, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर जो है, वो ज्ञानव्यापी में सर्वे कराने को लेकर जो कवायद है उसे वो शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना है। चूंकि ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है, इस वजह से डीएम वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कराएंगे, लोकल पुलिस को तो तैनात कराएंगे, साथ ही साथ ज्ञानव्यापी के आसपास कमांडो फोर्सेस की भी तैनाती होती है। काफी संवेदनशील मामला है। इससे पहले भी हमने, जब पिछले सप्ताह वहां पर सर्वे का काम चल रहा था, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स के इंतजाम थे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है, देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कोनों से लोग जल चलाने। तो यहाँ पर देखिए पूरी औपचारिकताएं हैं, पूरा करना होगा। डीएम ने कहा जैसे ही उनको आदेश मिलेगा उसका पालन होगा। दरअसल ये शिव नगरी है, यहाँ पर कण कण में शिव विराजमान है। जो भोले के भक्त हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बाबा की ही मर्जी है, भोले की ही मर्जी है, क्योंकि ये जो ज्ञानव्यापी का जो परिसर है, दरअसल ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है। यहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की इजाजत उनको